हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे सीएसएस हैमबर्गर मेन्यू को। सीएसएस हैमबर्गर मेन्यू आप बोलते हैं इसको, जो आपको तीन लाइन दिख रही है बर्गर की तरह, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू निकल के आएगा। ये साइड से निकल के आ सकता है, ये टॉप से नीचे निकल के आ सकता है। ओके, तो कुछ इस तरह से मेन्यू आप कैसे बना सकते हैं आज के इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। ओके, और ये वीडियो मैं चौथी पांचवी बार बना रहूँगा। सबसे पहले मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुझे लगा मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, और दूसरी बार मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हैमबर्गर मेन्यू से। ओके, और उसके बाद काफ़ी ट्राई की, और उसके बाद ये हैमबर्गर मेन्यू मुझे काफ़ी सिंपल और काफ़ी समझाने में आसान लगा और काफ़ी एलिगेंट भी लगा। और ये जो हैमबर्गर है, इसका आइडिया मैंने लिया है इस कोड पेन से, ठीक है, बाय एरिक टेरवन। और इस कोड पेन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हैमबर्गर भी कुछ इस तरह से है जो हम बनाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट यही है। ओके, यही है। ओके, सेम ही है। ओके, बस थोड़ा सा कोड अलग है, ठीक है, तो मैंने कुछ सिंपल किया कोड में। ओके, और ये जो सीएसएस हैमबर्गर मेन्यू है, ये आने वाले फ्लैक्स बॉक्स के प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो फ्लैक्स बॉक्स से पहले आपको बता रहा हूँ कि आप ये हैमबर्गर मेन्यू कैसे बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। अब देखिए, अब इसमें हम प्योर सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा ये कैसे बनेगा। अब इसमें हमने सीएसएस यूज़ करनी है सिर्फ, हम इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे। ओके, अब जो मैं कहूँगा ध्यान से सुनना। अब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये मेन्यू मेरा साइड से निकल के आ रहा है, जो मेन्यू आइटम्स हैं ये साइड से निकल के आ रहे हैं। ओके, मतलब सीएसएस को पता लग रहा है कि कब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ओके, अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते तो हम कुछ इवेंट्स यूज़ करके इसको बना सकते थे, बट सीएसएस में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम जिस पर क्लिक करें और हम उसकी स्टेट को चेक कर सकें कि हाँ, ये चीज़ हमने क्लिक कर दी है। ओके, दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सीएसएस में ऐसी क्या चीज़ है जिस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हम उसकी स्टेट को चेक कर सकें कि हाँ, अब हमने इसको क्लिक कर दिया है या ये चीज़ अभी क्लिक हो रखी है। ओके, इसका मतलब अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब कि ये हैमबर्गर जो मेन्यू है ये क्लिक हो रखा है और मेरे को मेन्यू दिख रहा है, जैसे इस पर क्रॉस पे करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं हो रखा तो मुझे नहीं दिख रहा। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी समझ आएगा। देखिए, अभी यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कोड को, आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक मैंने क्या बोला। अब यहाँ पे मेरे पास दो फाइलें हैं, index.html एक है, style.css। ओके, अब index.html में यहाँ पे मैंने लिंक किया है style.css को और टाइटल चेंज किया है css हैमबर्गर मेन्यू। ओके, और लाइव सर्वर से ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से भी दिख रहा है मेरे को। ओके, और यहाँ पे इस कोड पेन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अभी समझते हैं बनेगा कैसे। देखिए, इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे चेकबॉक्स, जो हम इनपुट वाला चेकबॉक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा वो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पहले मैं यहाँ पे ना एक डिव बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं हैमबर्गर मेन्यू। ओके, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने इसको क्लास दे दी हैमबर्गर मेन्यू, क्लास हैमबर्गर मेन्यू दे दी, और इस क्लास के अंदर मैं एक इनपुट बना लूँगा जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स, और मुझे यहाँ पे इसके नेम और आईडी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऑलराइट, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेकबॉक्स बना रहा है छोटा सा, और मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास चेकबॉक्स बना आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो तीन लाइन दिख रही है ये बर्गर की तरह, ये भी एक चेकबॉक्स है। ओके, बस हमने क्या किया, इस चेकबॉक्स को कुछ इस तरह इसमें चेंज कर दिया। ओके, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू हमारा साइड से निकल के आ जाता है और ये ऐसे तीन लाइन की यहाँ पे क्रॉस बन जाता है। ओके, कुछ हमने इसी तरह से करना है। ओके, अब मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू साइड से निकल के आना चाहिए, और जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे ये क्लिक हट जाएगा और ये हमारा जो मेन्यू है वो साइड में दोबारा चला जाएगा। ओके, अब ये काम हम कैसे करेंगे, ओके, इसको समझते हैं। देखिए, अब इस तरह के हैमबर्गर मेन्यू को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। हमें कितनी चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें। सबसे पहले तो हमें चेकबॉक्स चाहिए। ओके, चेकबॉक्स के बाद, इस चेकबॉक्स के बाद हमें चाहिए, इस चेकबॉक्स के बाद हमें चाहिए कोई ऐसी, हमें चाहिए तीन लाइंस, ठीक है,
मैं बताता हूँ, अब इन तीन लाइंस के लिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, हैम बर्गर लाइंस फॉर एग्जाम्पल, हैम बर्गर लाइंस। ओके ओके, अब इस तीन लाइन के अंदर मैं स्पैन बना लेता हूँ तीन। आप डिव भी बना सकते हैं, स्पैन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्पैन बना रहा हूँ, तीन स्पैन बना रहा हूँ। ओके, अब और एक और चीज़ चाहिए हमें, वो है मेन्यू, जो हमारा जो मेन मेन्यू होगा वो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लूँगा या फिर एक यूएल बना लूँगा, यूएल जिसमें होगा मेन्यू आइटम्स, यूएल होगा जिसकी क्लास होगी मेन्यू आइटम्स। और यहाँ पे मैं एल आई बना लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल होम, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं लॉगिन, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं रजिस्टर, अबाउट अस, ऑलराइट। अब मैं इसको दोबारा से, सॉरी, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात क्या है, ये काम अब होगा कैसे? देखिए, अभी हैमबर्गर लाइन से ये क्या है, जो आपको तीन लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, एक दो तीन, ये स्पैन क्या है, पहली लाइन है, ये स्पैन दूसरी लाइन है, ये स्पैन तीसरी लाइन है। ओके, और मैं यहाँ पे इन तीनों को ना एक क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं इनको तीनों को, एक तीनों को एक कॉमन क्लास देता हूँ लाइन, और एक यूनिक क्लास दे दूंगा, पहली को दे दूंगा लाइन वन, दूसरी को लाइन टू, और तीसरी को लाइन थ्री। ओके, तो अब यहाँ पे ये तीन लाइन होगी। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, जो भी हमने किया, क्योंकि हमने इसको विड्थ हाइट बैकग्राउंड कुछ नहीं दिया। मतलब अगर इसको हटा भी दूँ मैं एक पल के लिए, तो भी बिल्कुल अभी वैसे ही रहेगा। और अभी हम इस पर आएंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम बात करते हैं कि बिना इन लाइन्स के हम कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है? मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ अभी, मतलब अभी ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, जैसे इस पर क्लिक करूँ तब ये दिखे मुझे। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको स्टाइल करेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम चेक कैसे करेंगे कि ये चेक्ड है। ओके, तो वो समझाता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जो बेसिक स्टाइलिंग करते हैं हम, वो कर लेते हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं हम। ओके, सबसे पहले तो मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अगर आप ना भी लिखें तो इसमें सी एस एस हैमबर्गर मेन्यू में तो भी चलेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी में यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज की चेंज कर लेता हूँ अपनी आँखों की तसल्ली के लिए। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इतना बहुत है। ओके, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी आनी चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़ आपको करनी आनी चाहिए, आपको ये पता करना आना चाहिए कि ये चेक्ड है या नहीं है। सबसे पहले तो स्टेट चेक करनी आनी चाहिए, स्टेट। ओके, तो स्टेट चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि अगर अगर आपने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, अगर चेकबॉक्स क्लिक्ड है, ठीक है, अगर चेक बॉक्स क्लिक्ड है तो क्या करना है आपको, तो आपको इसको शो करना है, तो आपको मेन्यू शो करना है। ओके, तो आपको मेन्यू शो करने के लिए, ये मेन्यू आइटम शो करने के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये मेन्यू आइटम्स, ठीक है। अगर चेक बॉक्स क्लिक्ड है तो सेलेक्ट करना है मेन्यू आइटम्स। ओके, और सिलेक्ट करके फिर हमें से शो करना है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं भी आती है दो चीज़ें, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये काम कैसे होगा। पहले अभी ध्यान देते हैं काम होगा कैसे। ओके, देखिए, सबसे पहले इस चेकबॉक्स की बात करते हैं। ओके, और सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले है ना, इसको भी नन कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो मेन्यू आइटम है ना, जो मेरा मेन्यू आइटम्स हैं, इसकी जो डिस्प्ले है ना, इसको मैं कर देता हूँ नन। ओके, मतलब ये मेरे को दिखेगा ही नहीं है। मुझे कब दिखेगा ये, मैं कब चाहता हूँ ये मुझे दिखे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जब ये चेक दूँ, ठीक है। तो ऐसा कैसे करेंगे, देखिए, मेरे पास एक क्लास है हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है, एक डिव है हैमबर्गर मेन्यू,
अब स्पेस, अब जब हम यहाँ पे स्पेस डालते हैं, इस स्पेस का मतलब क्या है, इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर मुझे देखना है, इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर मुझे देखना है कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर है मेरे पास इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। अब इनपुट की कई सारी फील्ड्स होती हैं हमारे पास, इनपुट का टाइप चेकबॉक्स हो सकता है, इनपुट्स हमारे पास टेक्स्ट के लिए हो सकती है, इनपुट हमारे पास पासवर्ड के लिए हो सकती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वो इनपुट सेलेक्ट करनी है जिसका टाइप हो चेकबॉक्स, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वो इनपुट। अब ये टाइप क्या है, ये टाइप क्या है, एट्रीब्यूट, किसका एट्रीब्यूट है, इनपुट का। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, ओके। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमने अभी एक काम किया, हमने क्या किया, CSS के जो हैमबर्गर मेन्यू है उसके अंदर जो इनपुट जिसका टाइप है चेकबॉक्स, ओके, अगर वो चेक्ड है, अगर चेक्ड स्टेट चेक करने के लिए हम सीडो क्लास यूज़ कर सकते हैं चेक, मतलब अगर वो चेक हुई, मतलब अगर इस पर टिक हुआ, ठीक है, अगर इस पर टिक हुआ, अगर क्लिक्ड है, मतलब इस पर टिक हुआ, तो मैं सिलेक्ट करना है मेन्यू आइटम्स, ओके। अब देखो, अब ये है इनपुट, ठीक है, और इनपुट के ही सेम लेवल पे है मेरे पास मेन्यू आइटम्स। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी सिलेक्ट करनी हो जो कि सेम लेवल पे हो, मतलब आपको क्या करना है, आपको मेन्यू आइटम्स देखने हैं जो कि चेकबॉक्स के बाद हो, चेकबॉक्स के अंदर नहीं, चेकबॉक्स के बाद हो, मतलब ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हों, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये टिल्ड, ठीक है, टिल्ड सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो आपके कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में टैब के ऊपर देखने को मिलेगा, टिल्ड, ओके। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है मेन्यू आइटम्स, ओके, और यहाँ पे मैं डॉट मेन्यू आइटम्स, और मुझे करना क्या है, इसको सिंपल मुझे इसकी डिस्प्ले कर देनी है, पहले नन थी, अब इसकी डिस्प्ले कर दूंगा मैं ब्लॉक, ओके, ऑलराइट। अब देखना क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर टिक करूँगा तो ये मुझे शो हो रहा है, जैसे इस पर मैं जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा तो ये गायब हो रहा है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये काम हो रहा है, ओके। तो बेसिक फंडा यही था कि ये काम होता कैसे है, ठीक है। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट थी, ओके। अब बात आती है कि हम इसको इसमें कैसे चेंज करें, ठीक है, ये अब आपकी क्रिएटिविटी है, ये आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट से साइड, लेफ्ट से राइट की तरफ कर सकते हैं, ओके। तो बहुत कुछ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ और किस तरह के हो सकते हैं ये, ठीक है। तो मैं आपको microsoft.com, ओके, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने आपको कहा ना, मैंने 2-4 बार वीडियो बनाई थी, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने की सोच रहा था, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ऐसा दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे ओपन हो रहा है मेरे पास, ओके। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओके, और बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। और एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको हैमबर्गर मेन्यू का, stripe.com पे जाके, ओके, अभी तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ओके, ओके। तो आप खुद की क्रिएटिविटी दिखा के कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, ओके, ऑलराइट। तो ये था कि कुछ एग्जांपल्स, और आज के इस वीडियो में हम इसको सिंपल रखेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको, ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, तो काम कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखिए, अब इसका मेन जो, अब इसको, अब इन लाइंस का कंसेप्ट समझते हैं, लाइंस हम कैसे लगाएंगे, ओके। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लाइंस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइंस है ना, इसके ऊपर है चेकबॉक्स, मतलब ये जो चेकबॉक्स है ना, ये इसके ऊपर है, बट हमें दिख नहीं रहा, हमने इसकी ओपेसिटी कर दी है 0, ठीक है। दोबारा सुनिए, इन तीन लाइंस के ऊपर, ये जो तीन लाइंस है इसके ऊपर है कुछ इस तरह का चेकबॉक्स, ठीक है, बट हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी कर दी है 0, बट काम तो फिर भी करेगा, मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो चेकबॉक्स क्लिक हो चुका है। जब चेकबॉक्स क्लिक हो जाएगा तो हमने इसको क्या करना है, इसके ट्रांजिशन लाने हैं कुछ इस तरह से, और हमने इसको तीन जो लाइन है उनको करना है चेंज क्रॉस में, ओके,
तो ये है कंसेप्ट सारा। अब देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जो है ना, इसकी मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ को इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो वो देखते हैं कैसे होगा। और एक और चीज़ करता हूँ मैं, जो मेरे को लिस्ट स्टाइल है ये नहीं चाहिए, मैं इसको नन कर देता हूँ। ओके, तो आपको आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अब इसको रहने देता हूँ अभी यहाँ पे, इसको भी सही कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। पहले हम यहाँ पे टारगेट करते हैं अपनी LI को। यहाँ पे मुझे इसका लिस्ट स्टाइल चाहिए नन। ओके, तो लिस्ट स्टाइल मेरा हो चुका है नन। अब लिस्ट स्टाइल नन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ अभी, इसको थोड़ा मूव करता हूँ। ओके, सबसे पहले डॉट हैमबर्गर मेन्यू के अंदर जो इनपुट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वो इनपुट जिसका टाइप हो, चेकबॉक्स, अगर आप सिंपल इनपुट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि एक ही इनपुट है। अगर मल्टीपल इनपुट्स होती तो आप ऐसा लिख के काम चला सकते थे अपना। ओके, इनपुट है उसकी जो मैं विड्थ है उसको, उस विड्थ को कर दूंगा फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल्स, और इसकी हाइट को कर दूंगा फॉर एग्जांपल 32 पिक्सल्स। ओके, तो मेरा चेकबॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा हो चुका है। ओके, अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, अब चेकबॉक्स तो आ चुके हैं। ओके, अब चेकबॉक्स के बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे इसके नीचे ये जो लाइन है ना इसको बनाना है। ठीक है, ये जो लाइन है ना इसको बनाना है। तो ये जो ये तीन लाइन किसके अंदर है, एक क्लास के अंदर है जिसका नाम है हैमबर्गर लाइंस। ठीक है, तो मैं इस हैमबर्गर लाइंस को बिल्कुल इसके साथ लगा दूंगा, बिल्कुल इसके साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो काम कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पोजिशंस, मतलब इसकी पोजीशन, मतलब कि जो तीन लाइन है इसकी पोजीशन और इसके ऊपर जो मेरे पास इनपुट होगा उसकी पोजीशन, दोनों को हमने क्या करना है, सेम करना है। ओके, मतलब कि एक पोजीशन कुछ इस तरह से सेट करनी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। और ओके, तो देखते हैं ये काम कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास हैमबर्गर मेन्यू है इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं सेट रिलेटिव। इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ देखने के लिए, 2 पिक्सल सोलिड रेड। ओके, और इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं रिलेटिव, पोजीशन हम कर देंगे इसकी रिलेटिव। ओके, और यहाँ पे जो ये जो चेक बॉक्स है, ठीक है, ये जो इनपुट है इसकी पोजीशन को कर देंगे हम एब्सोल्यूट, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, और हम इसको टॉप से नीचे की तरफ मूव करेंगे फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल्स। ओके, और यहाँ पे इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे फॉर एग्जाम्पल हम 5 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल। ओके, 5 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल लेफ्ट से। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो ये एक तरह से बाहर हो जाता है हमारे डॉक्यूमेंट प्रो से, तो ये इसके ऊपर आ रहा है इसीलिए। और इसको ठीक करने के लिए हम मेन्यू आइटम्स को यहाँ पे पैडिंग टॉप दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 5, फॉर एग्जाम्पल 60 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो सही है अभी। और यहाँ पे काम और कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ये तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो हैमबर्गर लाइंस को स्टाइल करना है। ओके, ये जो हैमबर्गर लाइंस है इसको स्टाइल करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो डॉट हैमबर्गर लाइंस। ओके, अब हैमबर्गर लाइंस है ना जो, उसकी विड्थ भी मैं क्या करूँगा 40 पिक्सल्स, उसकी हाइट भी मैं क्या करूँगा सेट 40 पिक्सल्स। ओके, दोनों की, इसकी भी विड्थ 40 पिक्सल्स, हाइट भी 40, हाइट सॉरी 32 पिक्सल्स। ओके ओके, और यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ लाइट सायन। ओके, या फिर इसको मैं थोड़ा डार्क देता हूँ, लाइट लाइट सी ग्रीन फॉर एग्जांपल। ओके, तो लाइट सी ग्रीन दिख रहा है मेरे को। ओके, और इसकी क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप से लेफ्ट और टॉप से 5 पिक्सल, लेफ्ट से 5 पिक्सल अप करूँगा, तो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी दिख रही है मुझे और थोड़ी सी इसकी हाइट छोटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये काम करते हैं हम, ये जो चेक बॉक्स है ना इसकी डिस्प्ले को यहाँ पे कर देते हैं ब्लॉक। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, और यहाँ पे ना इसको
थोड़ा टॉप से हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं नीचे 7 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल, ओके, और लेफ्ट से भी थोड़ा 7 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि बस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। टॉप से अगर मैं 8 पिक्सल्स करूँ, ऑल राइट, तो बिल्कुल अभी एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि ये जो चेकबॉक्स है ना, ये आएगा तो ऊपर, मतलब कि इन 3 लाइन के ऊपर है चेकबॉक्स, ठीक है। और तो इसके लिए ऊपर नीचे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों को हमें जी इंडेक्स देना है, ठीक है। तो जी इंडेक्स कैसे देंगे, देखिए अब मुझे क्या करना है, इसको ऊपर रखना है, ठीक है, चेकबॉक्स को ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है, मतलब इसका जी इंडेक्स मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगा, इसका कम दूंगा, ठीक है। आप जी इंडेक्स का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस इसका ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, अगर इसका 5 ले रहा हूँ तो इसका 5 से कम रखूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल इसका रख देता हूँ मैं यहाँ पे 2, ओके। तो कुछ भी ले सकते हैं आप, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। तो ये हो गया जी इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको कही थी, वो क्या कही थी, कि चेकबॉक्स है बट हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको अब हम चाहते हैं ना दिखें, तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हम कर सकते हैं यहाँ पे 0, ओपेसिटी हमने 0 कर दी, ओके। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, जो मेन्यू आइटम्स है ना, अब देखते हैं काम करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन्यू आइटम्स है ना, इसको भी डिस्प्ले कर देते हैं, अभी नन कर देते हैं पहले, तो नन, ओके। और जब नन कर दिया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ओके। तो ये अभी काम कर रहा है, ओके, तो ये अच्छे से काम कर रहा है अभी, मतलब अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये मुझे दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक काम करना है, अब हमने यहाँ पे 3 लाइंस लगानी है, ये 3 लाइंस कैसे लगेंगी अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो 3 लाइन का देखते हैं कैसे होगा। तो हैमबर्गर लाइंस के अंदर मैंने तीनों स्पैन को क्या दिया है, एक क्लास दिया है जिसका नाम है लाइन, ठीक है। तीनों को एक क्लास दिया है लाइन, ओके, और तीनों को स्पैन है। तो मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा इसको ब्लॉक लेवल में, क्योंकि स्पैन इनलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसमें करने के बाद इसको मैं हाइट दे दूंगा 4 पिक्सल्स की, और इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100% की, ताकि 100% विड्थ लें, ओके। और उसके बाद इनका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा मैं 2 3 2 3 2 3, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 3 लाइन है बट हमें यहाँ पे तीनों बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई दिख रही हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिस्प्ले में यहाँ पे जो हैमबर्गर लाइंस के अंदर, ठीक है, हैमबर्गर लाइंस को डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूंगा, तो ये तीनों फ्लैक्स आइटम्स बन जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले दे देता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स, ओके। और फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैं कर देता हूँ स्पेस बिटवीन, ओके। तो ये 3 लाइन आ चुकी है मेरे पास, ओके। अब ये 3 लाइन आ चुकी हैं, यहाँ पे एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस दे दी मैंने, ओके। तो 5 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस आ रही है, तो थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी, ओके। यहाँ पर मुझे करना क्या है, ये मैं जो ग्रीन बॉर्डर है ना इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। तो ये काम कुछ इस तरह से हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे मुझे करना क्या गाइस, देखिए यहाँ पे मुझे इसको ऐसे डिस्प्ले नन नहीं करना, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ना लेफ्ट साइड पे कहीं छुपा देता हूँ, पूरी लेफ्ट साइड पे। मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, अगर मैं इसको -100% करूँ, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट के साइड पे ये अंदर चला जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं 100% कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप कई बार क्या होगा, 100% में भी दिखेगा थोड़ा सा, तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 110%, ठीक है। और उसके बाद हमें करना क्या है, जब ये चेकड हो, ठीक है, तो हमें ये ट्रांसलेट एक्स कितना हो जाए, 0, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी, और यहाँ पे 0 करना है मुझे, ओके। और डिस्प्ले ब्लॉक तो पहले से ही थी इस तरह से, और यहाँ पे ट्रांजिशन कर लगा सकते हैं हम, यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म पे लगानी है ट्रांजिशन, और 0.5 सेकेंड में सारा काम होगा, ओके। ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट, ऑलराइट ऑलराइट। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0.5 सेकेंड आएगा, ओके। तो
तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर दूँ 2 पिक्सल सोलिड रेड, तो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे ग्रीन, तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है, बट यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है। ओके, और यहाँ पे इसकी पैडिंग लेफ्ट को, और यहाँ पे इसकी पैडिंग लेफ्ट को कम कर देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट को कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स। ओके, तो पैडिंग लेफ्ट हो चुकी है यहाँ पे 10 पिक्सल्स की। ओके, और यहाँ पे मेन्यू आइटम्स के बाद जो एल आई है मेरे पास, और एल आई उसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ जितने भी मेरी एल आई हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया 2 RAM का। ओके, तो 2 RAM आई थिंक इतना सही है। और इसके बाद मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ भी अगर मैं यहाँ पे 2 RAM कर दूँ तो 2 RAM को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 RAM। ऑल राइट, तो इतना दिखने में सही है। ओके, तो कैसे स्लाइड हो रहा है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग की बात करते हैं, इसको स्टाइल कैसे करेंगे हम। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन्यू आइटम्स है ना, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ 2323 का। एक काम करता हूँ ना, इसको ना अभी बैकग्राउंड थोड़ा लाइट कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड ना मैं CCC ये कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ठीक है। पर ये जो बैकग्राउंड है ना, आप देख सकते हैं ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए आप नेगेटिव मार्जिनस यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको ऊपर एक्सटेंड करना है, लेफ्ट में एक्सटेंड करना है, पूरा एक्सटेंड करना है, ओके, तो उसको नेगेटिव मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप, ठीक है। अगर मैं मार्जिन टॉप अगर ध्यान से देखना -5 px लिखूंगा तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा इसको, फॉर एग्जांपल -15 px, तो और ऊपर चला जाएगा ये। ओके, ऐसे यहाँ पे आप मार्जिन टॉप है, ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं। अब मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट फॉर एग्जांपल -15 px, तो ऐसे माइनस साइड में चला गया है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग टॉप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ मैं 70 पिक्सल्स, तो यहाँ पे पैडिंग टॉप 70 पिक्सल्स हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट थोड़ी सी कम लग रही है, मुझे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसको। ओके, तो ये सिर्फ अभी मैं अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते ये सब काम। ओके, फॉर एग्जांपल इसको मैं पैडिंग लेफ्ट को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल 18 पिक्सल्स। ओके, तो 18 पिक्सल्स सही लग रही है मुझे। और पैडिंग टॉप को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल्स, 90 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, हाँ 100 पिक्सल्स बिल्कुल सही है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कैसे साइड से निकल के आ रहा है। ओके, और हम चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करें हम, ठीक है, तो इसका जो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं आप इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये साइड से निकल के आएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा 2323 2323। ओके, तो बैकग्राउंड कलर इसका 2323 2323 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर ये चेक्ड है, और चेक के बाद मतलब कि उसका सिबलिंग ये भी तो है ना, हैमबर्गर लाइंस। ओके, और हैमबर्गर लाइंस तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे डॉट हैमबर्गर लाइंस, इसका जो मैं यहाँ पे हैमबर्गर लाइंस, अब हैमबर्गर लाइंस के अंदर जो मेरे पास लाइन है, ओके, उसका जो कलर होगा ना, उसका सॉरी जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड वो मैं कर दूंगा यहाँ पे FFF वाइट। ओके, और सॉरी यहाँ पे डॉट लाइन आएगा क्योंकि क्लास है वो। ओके, तो आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी मुझे चेंज करना है यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसका कलर भी मुझे चेंज करना है, इसका कलर मुझे करना है यहाँ पे FFF। ओके, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आप यहीं पे चेंज कर दीजिए। ऑलराइट,
और कलर भी इसका यहीं पे FFF रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके यहाँ पे इसका कलर चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके ऑलराइट तो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ओके और जो हमारा ओरिजिनल है उसमें आप देख सकते हैं अभी उसमें ये एक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है अब एक्स में कैसे चेंज होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसके बॉर्डर है ना उसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है तो बॉर्डर हटा देते हैं दोनों के। तो बॉर्डर हटाएंगे तो शायद ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा थोड़ा, उसको हम सेट कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ से हैमबर्गर मेन्यू का जो बॉर्डर है इसको हटा देते हैं यहाँ पे, जो ये जो मेन्यू का बॉर्डर है इसको हटा देते हैं। ठीक है तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। ओके और यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे इसका ये जो बॉर्डर है नीचे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। और इसकी ओपेसिटी को अभी 0 थी जिसकी ओपेसिटी इसको 1 कर देते हैं देखने के लिए। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। सबसे पहले हैमबर्गर लाइन्स है इसको नीचे लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप से इसको 15 पिक्सल्स नीचे लेके आते हैं, और जो ऊपर है इसको भी हम टॉप से नीचे लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके तो नीचे आ चुका है। ओके तो आई होप आई थिंक इतना सही है। अगर आप और नीचे लेके आना चाहते हैं तो और नीचे लेके आना आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 19 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है तो नीचे आ चुके हैं और ज़्यादा। ओके ऑलराइट इतना सही है। और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को फिर से 0 कर देता हूँ। ओके तो एक काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पैडिंग बॉटम दे देता हूँ इसको। ठीक है जो मेन्यू आइटम्स हैं जहाँ पे पैडिंग लेफ्ट दिया है यहाँ पे पैडिंग बॉटम भी दे देता हूँ। पैडिंग बॉटम फॉर एग्जाम्पल पैडिंग बॉटम मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल्स फॉर एग्जाम्पल। ऑलराइट तो इतना दिखने में सही लग रहा है। ओके अब मुझे करना क्या है, ये जो 3 लाइंस हैं इनको मुझे चेंज करना है एक्स में। तो इसको एक्स में कैसे चेंज करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका जो ओरिजिन है बीच में, अभी दोनों का ओरिजिन ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है इसको हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे। फर्स्ट वाली को कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे और जो लास्ट वाली है कुछ ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर देंगे। ठीक है सबसे पहले इसका ओरिजिन बीच से लेके कुछ हमें इस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। ओके तो कैसे लेके आएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन 1। ठीक है तो हैमबर्गर लाइंस में जो मेरे पास है लाइन 1 डॉट लाइन 1। ओके और ऐसे मेरे पास होगी हैमबर्गर लाइंस में एक होगी मेरे पास लाइन 3। ओके और 2 लाइन होगी, एक लाइन 1 होगी एक होगी मेरे पास लाइन 3। ठीक है तो मैं क्या करूँगा दोनों का ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ठीक है तो पहले वाली का 0% और 0%। अगर आपने ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के बारे में बताया और बहुत कुछ बताया मैंने उसमें। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई नीचे से वाई डायरेक्शन से फॉर एग्जांपल 100%। ओके तो ओरिजिन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बस अब करना क्या है, अगर ये चेक्ड हो तो हम इसका तो हम इसे रोटेट करना है। ठीक है तो चेक्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतने को सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे लेके आता हूँ मैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसको ना थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे लाइन वन यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ 45 डिग्री, और ऐसे ही मैं लाइन 3 के लिए रोटेट कर सकता हूँ, लाइन 3 के लिए रोटेट कर सकता हूँ -45 डिग्री। ओके तो आप देख सकते हैं ये क्रॉस बन चुका है। अब हमें करना क्या है, बस लाइन 2 को यहाँ पे अब चेकड हो तो गायब करना है लाइन 2 को। ठीक है तो लाइन 2 के लिए हम यहाँ पे नीचे कोड लिख लेते हैं, लाइन 2 अगर चेकड हो तो लाइन 2 का जो डिस्प्ले होगा वो हो जाएगा नन। ओ सॉरी गाइस यहाँ पे लाइन 2 आएगा। ओके तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप देख सकते हैं ये एकदम से एक्स में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कर देते हैं। ठीक है तो दोनों में यहाँ पे ट्रांजिशन यहाँ पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म पे ट्रांजिशन लगानी है 0.4 सेकंड में होनी चाहिए, और यहाँ पे हो गई ईज आउट फॉर एग्जांपल। ओके
इज इन आउट देखते हैं, इज इन आउट और यहाँ पे टाइमिंग को थोड़ा कम करके देखते हैं। और बिल्कुल सही है गाइस, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये काम हमने कैसे किया, कैसे हमने इस CSS हैमबर्गर मेन्यू को बनाया। और अभी हो सकते हैं आपके मन में कुछ डाउट हो इसके प्रति, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं आप, इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं, जो मेनू आइटम्स हैं आप इसकी मैक्स विड्थ को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स। तो यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 90%, मतलब अगर 400 पिक्सल से कम गई तो 90% की विड्थ ले गए। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 400 पिक्सल्स की इसकी विड्थ है। ओके, तो अब दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। एंड आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा ये काम कैसे हुआ। और यहाँ पे आपने कई नई चीज़ें सीखी होंगी, आपने नेगेटिव मार्जिन के बारे में सीखा और आपने कई चीज़ें सीखी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।